इस ट्वीट के माध्यम से नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी निशाना साध रहे थे। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहीं पर खड़े होकर और अपने घर में इस्तीफा देने के बाद सीधा ये कहा था कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, क्योंकि उनके संबंध पाकिस्तान से हैं, पंजाब बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट होने के नाते पाकिस्तान से जिस तरीके से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, बहुत सारे हमने पकड़ लिए हैं, बहुत सारे पकड़े नहीं गए हैं, उनकी खोजबीन चल रही है कि वो कहाँ है। ऐसे माहौल में मैं ऐसे शख्स को पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा जिसके संबंध पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा से हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन अब चन्नी के सामने अमरिंदर ने बकायदा ये कहा कि आपसे कई उम्मीदें हैं, लेकिन चन्नी खुद भी बहुत विवादों में रहे हैं, उसको लेकर पार्टी के अंदर किस तरीके की बातें चल रही हैं और खासतौर पर विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए, विपक्ष लगातार चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साध रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, चरणजीत सिंह चन्नी बतौर कैबिनेट मंत्री एक आईएएस अधिकारी के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के उसमें चर्चित रहे हैं। इनके ऊपर आरोप लगे थे। बाकायदा पंजाब महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस भेजा था और उस समय खासा बवाल हुआ था। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी, क्योंकि उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनका 36 का आंकड़ा था जब वो मुख्यमंत्री थे और चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट मंत्री थे, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने उन विवादों पर यह कहकर विराम लगाया कि ये जो कुछ हो रहा है राजनीति के तहत हो रहा है और उनको डाउन प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ऐसा करा रही है अधिकारियों पर दबाव बनाकर। लेकिन अब जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है पंजाब राजभवन के अंदर, ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष को वो जिन बोतल से बाहर आकर मिल गया है और विपक्ष ने चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर मीटू के तहत आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और इस लपेटे में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भी लिया जा रहा है कि सोनिया गांधी एक महिला होने के नाते कैसे ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा सकती हैं जिसके ऊपर महिलाओं के उत्पीड़न करने या महिलाओं से बदतमीजी करने के आरोप लगे हों। तो ये राजनीति है, राजनीति में इस तरह के वाद विवाद चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद की शपथ पंजाब राजभवन में ले रहे हैं। उनके साथ पंजाब के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। पंजाब के राज्यपाल इस समय उस समारोह में पहुंच गए हैं जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अर्पिता, और देखिए सत्येंद्र, ये इन फाइटिंग जो कांग्रेस इस वक्त पंजाब में देख रही है, ये इनके लिए नई बात नहीं है। राजस्थान में इस तरह की इन फाइटिंग देखने को मिली, एमपी में इस तरह की इन फाइटिंग देखने को मिली, लेकिन यहां पर तस्वीर थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहां पर अब चुनाव होने हैं। ऐसे में अमरिंदर के बल पर कई बार पंजाब में कांग्रेस ने जीत हासिल की, अब वो सीएम रहे नहीं, दलित चेहरे को सीएम बना दिया, दलित वोटों को हासिल करने की एक कवायद है। लेकिन इस बीच कवायद ये भी होगी कि कैसे विधायकों का समर्थन भी इनको हासिल हो, क्योंकि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को आगे रखा जाएगा, उनके बल पर हो सकता है चुनाव लड़ा जाए, बीजेपी की तरह नहीं कि बाद में सीएम का अनाउंसमेंट किया जाए। यहां पर तो चेहरा अंदर की पार्टी की रणनीति कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है, सब कुछ धूमिल है। अर्पिता, बिल्कुल सही आपने कहा, सब कुछ धूमिल है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी घर परिवार कुनबे में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई के बाद माहौल सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगता है। पिछले 48 घंटों से कांग्रेस में चल क्या रहा है, तमाम नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, धड़े बने हुए हैं, यहाँ तक कि आप अपने मौजूदा मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेते हैं, नए मुख्यमंत्री पद का ऐलान कर देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अभी एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, एक वाद विवाद की स्थिति में है और एक अंतर्कलह की स्थिति में है।